हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव का समापन हो चुका है। अब चुनाव नतीजे आने बाकी हैं। दोनों ही प्रदेशों में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर कई मीडिया प्लेटफॉर्म कई बड़े दावे कर रही है। लेकिन 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सत्ता की कमान संभालने जा रहा है। खास बात यह है कि चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव नतीजे आने का इंतजार करने के बीच में खड़ा है एग्जिट पोल, जिसके सहारे कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में परिवर्तन की लहर इस बार जरूर देखने को मिलेगी। ऐसा क्या खास है एग्जिट पोल में, आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। एग्जिट पोल में दोनों ही राज्यों के लिए ये दावा किया जा रहा है कि दोनों ही जगह कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनकर उभर चुकी है। हालांकि इसका आखिरी फैसला तो 8 अक्टूबर के बाद ही होगा। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा में चुनाव से पहले जनसभाएं कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, रोजगार और युवाओं के मुद्दों पर मुखर होकर बोल रहे थे, उसका ही नतीजा है कि राहुल गांधी इन दोनों ही प्रदेशों में कामयाब होने जा रहे हैं। यूं तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही सालों से धूमिल पड़ी राहुल गांधी की जो राजनीतिक छवि थी वो काफी मजबूत हुई है। लोग अब राहुल गांधी को सुनना पसंद करते हैं। लोग राहुल गांधी में अब एक गंभीर नेता को देख रहे हैं जो देश के हर एक मुद्दे पर ना सिर्फ मुखर होकर बोलता है बल्कि देश के लोगों के साथ समय पर खड़े होने की ताकत भी रखता है। राहुल गांधी की जो मजबूत राजनीतिक छवि बनी है, इस पर 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने उन्हें और उनकी पार्टी को अपोजिशन की जगह देकर ठप्पा भी लगाया था। और अब एग्जिट पोल में भी नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगह में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कई तरह से लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई, चुनाव से पहले दंगे हुए और लोगों को एक बार फिर धर्म का लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने परिवर्तन को चुना। एग्जिट पोल का ये दावा है कि हरियाणा में तो कांग्रेस अकेले अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है, और वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहां वो अपनी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएगी। हरियाणा में पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है, वहीं अगर केंद्र की बात की जाए तो वहां भी पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है। ऐसे में अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़े संकट का विषय हो सकता है, क्योंकि लोकसभा 2024 में जिस तरह से भाजपा के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने ये दावा किया था कि इस बार 400 के पार सीटें उनके पाले में होंगी, वैसे ही कुछ दावे हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हुए थे। लेकिन अब हरियाणा में सत्ता तख्ता पलट करते हुए नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी 5 सीटें हार गई थी। एक्सेस माई इंडिया ने स्वतंत्र तौर पर किए गए अपने एग्जिट पोल में यह दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस एग्जिट पोल के नतीजों में ये साफ साफ कहा गया है कि 90 विधानसभा सीटों में से भाजपा 18 से 28 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी। वहीं कांग्रेस के लिए कहा गया है कि 53 से 65 सीटें अपने पाले में करने में कामयाब रहेगी। इनेलो और बसपा गठबंधन को 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन और आम आदमी के लिए 0 पर सिमट जाने की बात कही गई है। एग्जिट पोल में अन्य पार्टियों के खाते में 3 से 8 सीटें होने का अनुमान लगाया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी को कितने फीसद वोट इस विधानसभा चुनाव में मिला है। एक्सेस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में भाजपा को 35% वोट मिलने का अनुमान जताया है। हरियाणा में सरकार बना रही कांग्रेस को इस बार 43% वोट मिले हैं। इनेलो और बसपा गठबंधन को 8% वोट और जेजेपी आजाद समाज पार्टी अलायंस को 1% वोट। आम आदमी पार्टी को 1.5 और अन्य के खाते में 11.5% वोट रहने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल आने के बाद भाजपा परेशानी में है और कांग्रेस जश्न के मूड में। अब कल 8 अक्टूबर को ही इस बात का फैसला हो पाएगा कि जश्न मनाने का हकदार आखिर कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट नबील गौर के साथ मैं मीनाक्षी।